आज जो कि मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ये लैंड क्रूजर 2001 का मॉडल है वाइट सिग्नस के अंदर, जो कि टोटली मेरे ख्याल से कम्प्लीटली कन्वर्ट की गई है 2020 के अंदर। अगर तो इसकी साइड प्रोफाइल को कंपेयर किया जाए सिग्नस के साथ, तो इस टाइम जो आप लोगों के सामने है ये लैंड क्रूजर 2020 का लेटेस्ट मॉडल जो है आप लोगों को बाहर देखने को मिल रहा है, बट इन एक्चुअल में ये सिग्नस ही है जिसको अपग्रेड किया गया है 2020 के अंदर। इसके अंदर पुश स्टार्ट बटन इंस्टॉल किया गया है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इंस्टॉल किया गया है, टेस्ला इंस्टॉल किया गया है, वही 2019-20 मॉडल के अंदर जो जाली वाले लेदर के साथ इसकी सीट्स आती हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम विद अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। सो फाइनली एक बार फिर लैंड क्रूजर सिग्नस 2001 मॉडल को कन्वर्ट किया जा रहा है 2020 के अंदर। इस टाइम मैंने आप लोगों के सामने आज दो गाड़ियां दोनों कंपैरिजन के लिए आप लोगों के सामने लेके आया हूं, लैंड क्रूजर ग्रैंड 2006 मॉडल और लैंड क्रूजर सिग्नस 2001 मॉडल जिसको फुली कन्वर्ट किया गया है 2020 के अंदर। सो फाइनली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी लैंड क्रूजर सिग्नस 2002 मॉडल जो कि ब्लैक के अंदर अवेलेबल थी, उसके बिफ़ोर एंड आफ्टर शॉट्स मैं आप लोगों को दिखा चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तैयार की गई थी, उसके इंटीरियर भी उसका एक्सटीरियर भी जो कि फुली 2020 और 2021 के अंदर कन्वर्ट की गई थी। आज जो कि मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ ये लैंड क्रूजर 2001 का मॉडल है वाइट सिग्नस के अंदर, जो कि टोटली मेरे ख्याल से कम्प्लीटली कन्वर्ट की गई है 2020 के अंदर। अगर तो आप इसका फ्रंट देखें तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको और इसको अगर तो कंपेयर करें तो आपको ये फील होगा कि ये 2002 या 2001 का मॉडल है। इस टाइम ये टोटली कन्वर्ट हुई हुई है, और अगर मैं आप लोगों को इस टाइम अपनी आंखों से दिखा सकूं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही खूबसूरत गाड़ी तैयार हुई है। इसके बिफोर शॉट्स मैं ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को या तो दिखा चुका हूँगा या इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा, बट अगर तो बात करें इस गाड़ी की और बात करें कन्वर्जन जो इससे पहले की गई थी 2002 के अंदर ब्लैक के अंदर जो गाड़ी कन्वर्ट की गई थी, मेरे ख्याल से ये गाड़ी उससे बहुत दर्जे बेहतर हमने तैयार की है। इसमें सबसे बड़ी रीज़न जो थी वो कस्टमर कमेंट्स थे, जो कि कस्टमर्स ने हमें अपने रिस्पांस दिया, अपना इंटरेस्ट दिखाया इस कन्वर्जन के अंदर। कह जाए तो लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की थी लैंड क्रूजर 2002 मॉडल जो कि ब्लैक के अंदर कन्वर्ट की थी, आप लोगों ने उसकी वीडियोस देखी होंगी, उसकी इन बिटवीन सारा प्रोसेस जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब जिन लोगों ने मुझे पिछले वीडियोज़ के अंदर हाईलाइट किया था कि सर इसकी ये चीज़ें जो हैं आपने इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब बतानी हैं और हमारे साथ शेयर करनी है, तो मैं आप लोगों को ये बताते चलूँ कि इस टाइम मैं दोनों गाड़ियां आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसे हम कंपेयर करने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ। और अगर तो मैं बात करूं इसकी, तो ये ग्रैंड है 2006 का मॉडल, और देखा जाए तो इसकी हेडलाइट्स और इसकी हेडलाइट्स में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। देखा जाए तो फ्रंट के अंदर इसकी कोई इतनी ख़ास अल्ट्रेशन नहीं की जाती, सिर्फ हेडलाइट्स एडजस्ट करने के लिए इसकी जगह बनानी पड़ती है, अदरवाइज सेम एज इट इज़ पार्ट जो हैं वही इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अंदर भी क्रोम ग्रिल है, और इसके अंदर भी क्रोम ग्रिल के साथ जो है इस गाड़ी को फाइनल टचअप फिनिश दिया गया है। और अगर हम बात करें बम्पर्स की, तो इसका बम्पर जो है वो लाइट्स के काफ़ी ज़्यादा करीब होता है और काफ़ी ऊपर करके इस बम्पर की फिटिंग होती है, जबकि इस बम्पर के अंदर काफ़ी फेंडर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं और बम्पर काफ़ी ज़्यादा जो है नीचे हो जाते हैं। और अगर हम बात करें बॉडी किट्स की, तो इसकी बॉडी किट्स और इसकी बॉडी किट्स में आसमान ज़मीन के फ़र्क है। और साथ साथ अगर मैं आप लोगों के साथ कंपेयर करूँ इसके अलॉय रिम्स, तो इसके अंदर 2020 के इस टाइम अलॉय रिम्स इंस्टॉल किए गए हैं, जबकि इसके अंदर 18 के अलॉय रिम्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, जो कि काफ़ी यूज हैं। इसके अंदर भी सेम एज इट इज़ वही अलॉय रिम्स इंस्टॉल हो सकते हैं जो कि 18 के हैं, बट अगर मैं आप लोग कंपेयर करें इन दोनों गाड़ियों को, तो ये एक खूबसूरत गाड़ी इसके निस्बत आप लोगों के सामने है। सो इसकी चलते हैं इसकी डिटेल रिव्यू की तरफ, और इस गाड़ी के अंदर मज़ीद मैं आप लोगों को इसका एक 3D व्यू दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं अपग्रेड की गई हैं
और क्या क्या माइनर फॉल्ट्स थे जो कि हमने इस वीडियो के अंदर अपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतर की हैं। तो इसके बैक से भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बैक से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज की हैं, और दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो अगर तो हम बैक से इसको कंपेयर करें तो आपको सिग्नस और ग्रैंड के अंदर जो है एक ह्यूज सी लाइट नज़र आती है, और एक बैक ट्रंक और लोअर ट्रंक जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। और अगर तो हम कंपेयर करें अपग्रेडेड सिग्नस को तो इसके अंदर एक खूबसूरत सी आपको लाइट नज़र आती है, बैक गार्निश नज़र आती है, और लैंड क्रूजर के अपर एंड लोअर ट्रंक इसके अंदर जो आप लोगों को नज़र आते हैं। सो अगर तो आप लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से कि तो ये जितने भी इसके अंदर पार्ट्स इंस्टॉल किए गए हैं वो लैंड क्रूजर के किए गए हैं। तो अगर तो आप कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से कि ये मच बेटर देन दिस। सो इस टाइम अगर तो देखा जाए तो इसके अंदर बैक बम्पर अगर देखा जाए तो इसका बैक बम्पर काफ़ी लोअर जो है इसके अंदर जेन्युइन फिट आता है, जेन्युइन फिटिंग के साथ आता है। लेकिन अगर तो हम इसको कंपेयर करें इसके साथ तो इसकी बैक लाइट्स के बिल्कुल साथ जो है इस बैक बम्पर की फ़िटिंग की जाती है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताता आता हूँ कि जेन्युइन फिटिंग के साथ इसकी हम इंस्टॉलेशन करते हैं, जो कि किसी भी टाइम आप एक्सीडेंटल या किसी केस के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस टाइम बहुत ही खूबसूरत इसकी ह्यूज बैक लुक आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो पिछली वीडियोस के अंदर, पिछली गाड़ी जो हमने अपग्रेड की थी उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने चेंज की, और काफ़ी माइनर ऐसी चीज़ें थी जो कि बज़ाहिर आपको देखने में नज़र नहीं आते लेकिन हमने ये चीज़ें अपग्रेड की हैं। और अगर तो हम इसकी बॉडी किट की बात करें, इसके बैक बम्पर रिफ्लेक्टर की बात करें तो ये काफ़ी ओल्ड लुक जो है आपको इसके अंदर दे रही है। सो अगर तो हम इसके बैक बम्पर बॉडी किट की बात करें तो ये हमारे पास एक लेटेस्ट डिज़ाइन के अंदर जो है अवेलेबल है। और अगर तो रिफ्लेक्टर देखें तो इसके बम्पर के अंदर ही इसके रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो फाइनली चलते हैं इस गाड़ी का एक डिटेल्ड रिव्यू की तरफ, और मैं आप लोगों को इस गाड़ी के एक 360 व्यू के साथ आपको इसका एक डिटेल रिव्यू देता जाता हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ, अगर तो स्टिल आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर तो किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन, रिपेंट, मॉडिफिकेशन और फेसलिफ्ट कस्टमाइजेशन आप लोग करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वर्कशॉप किसी भी टाइम आ सकते हैं। सो अगर तो इसकी साइड प्रोफाइल को कंपेयर किया जाए सिग्नस के साथ तो इस टाइम जो आप लोगों के सामने है ये लैंड क्रूजर 2020 का लेटेस्ट मॉडल जो है आप लोगों को बज़ाहिर देखने को मिल रहा है, बट इन एक्चुअल में ये सिग्नस ही है जिसको अपग्रेड किया गया है 2020 के अंदर। अगर तो फ्रंट से देखा जाए तो फ्रंट से इसके अंदर आपको फ्रंट क्रोम ग्रिल नज़र मिलती है, इसकी हेडलाइट्स इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं 2020 की, इसके अंदर फॉग लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, इसके अंदर बॉडी किट भी जो है वो 2020 की इंस्टॉल की गई है। और अगर तो इसके बोनट को देखें तो बोनट के अंदर आपको चार करेक्टर लाइंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जो कि लैंड क्रूजर को एक ह्यूज और सेक्सी लुक देती है। और अगर फेंडर की बात करूं तो फेंडर इसको अल्ट्रेशन करके थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से एक माइनर सा डिफरेंस है इसकी कन्वर्जन के अंदर, बट ये फ़र्क बज़ाहिर देखने में आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा होगा। और अगर मैं बात करूँ इसके डोर्स की और डोर्स अपग्रेड्स की तो इसके डोर्स के अंदर हमने ये दो करेक्टर लाइंस भी एडअप की हैं, जो कि पिछली गाड़ी के अंदर हमने नहीं की थी, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही सेक्सी लुक दे रही है। इसके डोर हैंडल्स हमने अपग्रेड नहीं किए क्योंकि इसकी डोर हैंडल्स अपग्रेड करने के लिए थोड़ा सा बजट जो है वो आउट हो जाता है, जो कि कस्टमर ने हमें अलाउ नहीं किया। सो अगर तो बात करूं इसके फुट पैनल्स की, तो फुट पैनल्स भी इसके अंदर 2020 के इंस्टॉल किए गए हैं, इसके अंदर साइड डोर मोल्डिंग भी इंस्टॉल की गई है। और अगर तो बैक फेंडर की बात करें तो बैक फेंडर जो है आपको सिग्नस के अंदर एक कर्व नज़र मिलती है यहाँ पे, जो कि मेरे ख्याल से जहाँ से आप लोग ये गाड़ी पकड़ सकते हैं कि ये गाड़ी जो है कन्वर्टेड है सिग्नस से, बट इसके अंदर हमने एक करेक्टर लाइन दी है इसी फेंडर के अंदर, इन्हीं दरवाज़ों के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को ये फील नहीं हो रहा कि ये गाड़ी जो है वो कन्वर्टेड है। सो अगर तो हम बैक से बात करें तो बैक से भी आपको ये एक सेक्सी लुक दे रही है, इसके अंदर बैक लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं, इसके अंदर अपर ट्रंक इंस्टॉल किया गया है, इसके अंदर लोअर ट्रंक इंस्टॉल किया गया है, इसके अंदर बैक बम्पर, बैक बॉडी किट, बैक रिफ्लेक्टर, बैक बम्पर सील और तकरीबन बैक से सारी वो एसेसरीज़ जो हैं इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं जो लैंड क्रूजर ZX के अंदर इंस्टॉल्ड आती हैं। और अगर बात करूं इसके अलॉय रिम्स के तो इसके अंदर 2020 के अलॉय रिम्स जो इंस्टॉल किए गए हैं। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिनेमैटिक शॉट्स भी आपको इस वीडियो के दे दूंगा, बट अगर तो हम बात करें इसके इंटीरियर की तो इंटीरियर में भी इसकी काफ़ी सारी अपग्रेड्स जो हैं हमने की हैं।
इसके अंदर पुश स्टार्ट बटन इंस्टॉल किया गया है, इसके अंदर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इंस्टॉल किया गया है, इसके अंदर टेस्ला इंस्टॉल किया गया है। और अगर बात करें इसकी सीट्स की, तो सीट्स भी इसकी वही 2019-20 मॉडल के अंदर जो जाली वाले लेदर के साथ इसकी सीट्स आती हैं, वही इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। इसकी फ्लोर मैटिंग की गई है। अगर बात करें इसके ट्रिम्स की, तो ट्रिम्स के अंदर भी हमने वही जाली वाला लेदर जो है इसको टचअप दिया गया है। सो बोथ फ्रंट एंड बैक से जो है इसके अंदर सेम चीज़ें जो है इंस्टॉल की गई हैं। सो इंटीरियर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वेल लुक के अंदर इस टाइम ही आया हुआ है।